माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने अपने विचार सदन में रखे, बहुत अच्छे सजेशन उन्होंने दिए हुए हैं। किसी के कोई छोटे मोटे प्रश्न भी है उसको मैं आगे बताऊंगा। तो मैं तहे दिल से सभी आदरणीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, दो ही मुद्दे खास करके आए कि काउंसिल, होम्योपैथिक काउंसिल क्यों भंग किया, उसके कारण हमने मेरे इंट्रोडक्टरी स्पीच में भी कहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि गुणवत्ता जो शिक्षा देना है और केंद्र सरकार द्वारा अनुमति प्रदान करने के तंत्र को अधिक सतर्क बनाना था, यह होम्योपैथी काउंसिल का काम था और जिम्मेदारी भी थी। हमें लगा कि जिस तरह से काउंसिल चल रहा था, कई विषय इसमें आ गए कि इसके कारण वो अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से पाल नहीं पाए। कल मंत्रालय ने बार बार उनको समझाया कि इसमें सुधारणा लानी है, लेकिन वो माने नहीं। ऐसे बहुत से प्रश्न है, करप्शन का है, एक काउंसिल का अध्यक्ष पैसे लेते हुए पकड़ा जाए, इतनी बड़ी नामुश्की, ये जो उदाहरण था ये बड़ा नामुश्की का उदाहरण था। और हम चाहते कि प्रत्येक इसमें काउंसिल में नए नए प्रयोग किए जाए, ताकि आज का युवा जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चाहता है। और इसके बारे में जब हमने कहा कि आपका रजिस्टर हो डिजिटल करा दीजिए, और सभी जो काम है आज डिजिटल से इंडिया आगे बढ़ रहा है, उन्होंने कभी भी माना नहीं। 1% का भी काम उन्होंने नहीं किया। जो काउंसिल के मेंबर रिटायर होते थे तो वो अपनी जगह दूसरा इलेक्शन होने नहीं देते, दूसरे नए मेंबर का इलेक्शन नहीं होने। तब तक प्रावधान ऐसा नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो जब तक नया आया तब तक वो रहेंगे। इसके लिए वो चाहते थे कि नया इलेक्शन ना ही हो और तब तक मैं इस पद पर बैठा रहूं। इसका टर्म खत्म होने के बाद भी वो पद पर बने रहने की उनकी कोशिश थी। हमने सभी कॉलेजों को कहा था कि ये सब काम जो है वो आपको करना है और नए नए इनिशिएटिव जो है वो लेने हैं। और ये सब उनको कहने के भी रिक्वेस्ट करने के में हमारे पास कोई नहीं था। जो कुछ 2002 में जो हमने रूल अमेंड किया था, एक्ट अमेंड किया था, उससे पहले के जो 2002 से पहले के जो कॉलेज थे उनके लिए हमारा अधिकार इसमें नहीं डाला था कि पीछे का भी जो इंस्पेक्शन मंत्रालय की तरफ करना है, सीसीएस की तरफ करना है, ये जो अधिकार तो हमारे नहीं था। तो इसी अमेंडमेंट में वो अधिकार हमने 2002 में लाया। तो उसके बाद का जो कॉल 2002 के बाद के जो कॉलेज उसमें सब कुछ ठीक चलने लगा, लेकिन पहले जो कॉलेज है वो उन्होंने एक सर्कुलर भेजा अध्यक्ष जी ने कि सीसीएच का या किसी का इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं, हमें मंत्रालय को बिना बताए इस तरह से आदेश वो देने लगा। और अध्यक्ष महोदय, एक बहुत दुख की बात है, ज्यादा मेंबर जो है उन्होंने कहा कि शिक्षा में गुणवत्ता आनी चाहिए। कई जगह हमें ऐसे पता चला कि वहां कॉलेज है लेकिन कहा है कागज पर ही कॉलेज है, विद्यार्थी वहां पढ़ने नहीं आते। उसको बोला जाता है आप फी भरो और साल भर मत आओ और थोड़ा ज्यादा पैसा दे दो। तो इस तरह के समाज का देश का क्या होगा, बिना एजुकेशन लेके हुए जिसके लिए वो कोर्स कर रहा है, खाली सर्टिफिकेट देने का नाम के वास्ते वो कॉलेज वहां प्रस्तापित था। ये सब देखने के बाद हम कैसे चुप रहेंगे, आप भी वो नहीं मानेंगे। और इसलिए हमने ये लिया कि ये सब ठीक करने के लिए काउंसिल को बर्खास्त करना और इसमें जो नए रूल चाहिए वो नए रूल डाल के सब कुछ एजुकेशन, हमारा जो आने वाला डॉक्टर होगा एक जिम्मेदार डॉक्टर बनेगा और समाज की अच्छी तरह सेवा करेगा, इसलिए हमको काउंसिल बंद करना पड़ा, बर्खास्त करना पड़ा। हाँ, हमने मांगा था 1 साल कि हम सब तुरंत ये सब बातें 1 साल में करेंगे, लेकिन आप तो जानते हैं कि जब तक स्टेट का रजिस्टर, डॉक्टर का रजिस्टर नहीं बनता तब तक हम कहाँ कितने डॉक्टर, इसके मुताबिक हम वहाँ काउंसिल के मेंबर की संख्या उनको देते हैं। तो इसलिए जब तक
राज्यों से रजिस्टर नहीं आया, हम उनको बार बार, हमें उसके कम्युनिकेशन मिलते हैं, बार बार उनको बता देते तुरंत अपना रजिस्टर भेज दो ताकि हमें इलेक्शन लेना है, जल्दी लेना है। और आप जानते हैं दूसरा रीजन तो ये, वो कई राज्यों ने सपोर्ट किया, कई राज्यों का आ गया, कई राज्यों ने कहा कि हम थोड़े देर के बाद दे देंगे ताकि हम इलेक्शन उस साल कर नहीं पाए, इसलिए हम फिर आपके पास आए हुए हैं। ये क्या नया अमेंडमेंट नहीं है, एक बार अमेंडमेंट हुआ था, लेकिन खाली एक साल की अवधि हमें ज्यादा दे ताकि हम ये पूरा प्रोसेस जो हो कंप्लीट कर पाए। इसी के कारण आज हम आपके सामने आए। कई कई माननीय सांसदों ने हमें पूछा है कि कई जो कारण है कि क्यों अभिवृद्धि परिषद पुनर्गठन क्यों नहीं हुआ, इसका कारण यही था कि जो कुछ राज्य सरकार की जिम्मेदारी हो, उन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई, इसलिए थोड़ा सा हमको ज्यादा एक साल का अवकाश हमें चाहिए था। महोदय, जैसा मैंने कहा कि मौजूदा अधिनियम में उनको विरोध इनके विरोध ने हमें मंत्रालय को इनके विरोध ने कार्रवाई करने का अधिकार नहीं था, लेकिन इस अमेंडमेंट में वो अधिकार हमने लाया हुआ है। और इसलिए आंतरिक उपाय के रूप में शासन मंडल द्वारा परिषद को अधिक्रमित करना पड़ा और वो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस जो लाया, उन्हें गए साल भर में बहुत अच्छा काम किया है। किसी ने पूछा है कि उन्होंने किस तरह का काम किया है, मैं कहना चाहता हूं कि कभी भी हमारे कॉलेज का जो इंस्पेक्शन होता था वो बहुत लंबी इसमें होता था, और जो परमिशन हमें कम से कम जुलाई तक देना चाहिए वो हम दे नहीं पाते, कभी सितंबर में अक्टूबर तक जाता था और बच्चों का विद्यार्थियों का नुकसान होता था। इस बार उन्होंने सभी गए साल में भी पूरे इंस्पेक्शन टाइम पर दे दिए, अभी भी पूरी प्रक्रिया हम जुलाई एंड में पूरी समाप्त करेंगे। इसमें से 236 हमारे कॉलेजेस है, उसमें से 80% कॉलेज का अब तक दिया हुआ है, बाकी बचा हुआ हो हमने अगले 15-20 दिन पूरा करेंगे। ऐसा एक बहुत उन्होंने काम किया है। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 2018-19, एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज परमिटेड 12 न्यू कॉलेजेस, दैट इज 960 सीट, एंड इंक्रीज 75 सीट इन 2 यूजी कॉलेजेस एंड स्टार्टेड पीजी इन 8 एग्जिस्टिंग कॉलेजेस विद 144 सीट। तीसरा जो है, द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ सीसीएच हैज अमेंडेड द रिलेवेंट यूजी एंड पीजी रेगुलेशन फॉर मेकिंग द एडमिशन इनटू अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज मैंडेटरीली थ्रू द नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये भी एक नया हमने कीर्तिमान प्रस्तावित किया है। द बोर्ड ऑफ गवर्नर of CCH has also amended the MSR regulation 2013 for incorporating the following provision, that is Aadhaar based geolocation attendance system for teacher, hospital and staff and postgraduate students. Teachers eligibility test for the candidate opting for the teaching post and provision for section 12C for inspection of the existing colleges. मैंने कहा कि कई सदस्य ने पूछा आप किस तरह से उस पर करप्शन खत्म करने का ये करेंगे, जो बोर्ड में जो हमने कुछ जो मेंबर डाले हुए थे, सात में से 6 मेंबर उसमें थे, और उसमें 4 एक होम्योपैथी के बहुत बड़े डॉक्टर स्पेशलिस्ट थे, 2 जो हमारे मंत्रालय के एडमिनिस्ट्रेशन के इसमें जानने वाले थे, और एक बहुत अच्छा काम उन लोगों ने किया था। मैं कहना चाहता हूँ कि आगे आने वाले समय में जो आप जो एक साल की मोहलत हमें दे देंगे उसके बारे में हम जल्दी से जल्दी राज्यों से वो रजिस्टर जो कुछ काम राज्यों से करना है उसको पीछे लगा के वो सब हम आप करेंगे, और आप और जो जो काउंसिल होम्योपैथी काउंसिल है उसका गठन जल्दी से जल्दी निश्चित तौर से करेंगे। महोदय, कई सदस्यों ने अपने विचार यहाँ प्रकट किए हुए थे, और इसके वही तो डॉक्टर पुनिया जी पीएल पुनिया जी ने वह पूछा था कि ये भ्रष्टाचार उपाय करने में आप क्या क्या करेंगे, कि आगे इस तरह से हमने अभी से शुरू किया हुआ कि जो इंस्पेक्शन के कॉलेज के इंस्पेक्शन ही जाते वहाँ गवर्नमेंट ऑफिसर्स और प्रोफेसर जो जिम्मेदार है
कुछ उन्होंने कुछ गलत किया तो इसके ऊपर एक्शन लेते, उसका एक डर उसमें इसमें है बैठेगा, इसलिए इस तरह के ऑफिसर इंस्पेक्शन को भेजते हैं ताकि उस इसमें जिस तरह से रिपोर्ट में कुछ कमी ज़्यादा हो गई तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, इसलिए ये उपाय हमने किया हुआ है। महोदय, कई मेंबर ने पूछा था, हमारे पीएल पुनिया जी पूछ रहे थे कि होम्योपैथी में रिसर्च कहाँ तक जा रही है। मुझे कहने में बहुत आनंद है कि एक नया रिसर्च होम्योपैथी रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी हमें दिल्ली में बना रहे हैं। अभी भी इसमें रिसर्च अभी चल रहा है और इस तरह से कहीं दो चार जगह हमने होम्योपैथी में रिसर्च करके जयपुर में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हमने गए 6 महीने से पहले किया। इस तरह से नए नए रिसर्च सेंटर हम बना रहे हैं ताकि रिसर्च के ऊपर जोर देके जो कुछ हम खुद यहाँ रिसर्च करके अपना खुद इंडिया का मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिन बनाने के प्रयास हमारे है। और मैं कहना चाहता हूँ कि कई सदस्यों ने कहा था कि हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे हमारा होम्योपैथिक डॉक्टर होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि जो आयुष मंत्रालय की जो स्कीम है उस स्कीम के अंतर्गत हम को लोकेशन ऐसे स्कीम निकाली हुई है और उसमें से हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे हमारे आयुष के डॉक्टर वहाँ बैठते हैं और राज्य सरकार को हम इसके बारे में बजट देते हैं और बहुत से राज्यों में होम्योपैथिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, यूनानी डॉक्टर, सिद्धा डॉक्टर लिए हुए हैं, ये अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे काम कर रहे हैं। और इसलिए हमारे पास और भी स्कीम जो है आयुष मंत्रालय ने की है कि हर डिस्ट्रिक्ट को यदि लोगों को सेवा देनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए और इसलिए हमने हर डिस्ट्रिक्ट को एक आयुष 50-बेड आयुष हॉस्पिटल देने का वादा किया हुआ है। अब तक हमने 150 से ज़्यादा हॉस्पिटल अप्रूव किए हुए हैं, कहीं तो अभी कंप्लीशन में है, कभी अगले साल से भी कहीं शुरू हो भी सकते हैं। तो मैं आदरणीय सभी सदस्यों को कहना चाहता हूँ कि यदि आपके डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का आयुष का हॉस्पिटल आप किसी होम्योपैथी का कर सकते हैं, आयुर्वेदा का कर, जो पैथी हमारी 5-6 पैथी है उसका भी कर सकते हैं, इसीलिए को होम्योपैथी का प्रचार बढ़ाने के लिए ये हॉस्पिटल कारगर रहेगा। और इसलिए मैं सबको कहना चाहता हूँ कि तरह तरह के इससे हम आगे बढ़ रहे हैं, होम्योपैथी को आगे बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं। एक आयुष्मान भारत की स्कीम आपने देखी होगी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी घोषणा की है, उसके तहत पूरे देश में 1,50,000 हेल्थ वेलनेस सेंटर होंगे और मुझे कहने में आनंद है माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12,500 जो हेल्थ सेंटर होंगे वो आयुष के लिए दे दिए हैं। तो हर तहसील में एक ऐसा सेंटर, आयुष सेंटर हम खड़ा करेंगे, वहाँ आप सभी पैथी का एक ही जगह सभी पैथी का इलाज हम कर पाएंगे। और इसलिए आयुष पैथी हो या होम्योपैथी, खास करके होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए इस आयुष्मान भारत के इसका हम उपयोग कर सकते हैं। कई सदस्य ने बहुत कुछ प्रश्न पूछे हुए थे कि पूछना तो स्वाभाविक है, कहीं जो कमीशन जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हमने बनाया था उसमें से 7 में से 6 ही क्यों किए, तो 7वां वाला हमने भरने की कोशिश की हुई है, मेरे ख्याल से जब अभी फिर बोर्ड का रिन्यूवेशन होगा तभी 7वां मेंबर उसमें जुड़ जाएगा। महोदय, पिछले कई दिनों से आयुष मंत्रालय बहुत आगे बढ़ रहा है, सबको साथ है, सभी पैथी का विकास करने में बढ़ रहा है। आपने तो देखा होगा योगा का किस तरह से हिंदुस्तान में नहीं पूरी बल्कि दुनिया में ये आयुष का एक श्रीमय पाठ है वो आज पूरे दुनिया में चला गया है और हमारी पैथी जो है आज गांव-गांव में इसका उपयोग आज हो रहा है। आज प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे आज हमने वो इंट्रोड्यूस किया हुआ है और मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपका सपोर्ट मिलेगा, आप सबका जब इस तरह से सपोर्ट मिलेगा जो आपने यहां कहा है, कई सजेशन दिए हुए, इस सजेशन का उपयोग हम होम्योपैथी की आगे बढ़ाने के लिए निश्चित तौर से उसका उपयोग करेंगे और आपके सहयोग के सिवाय आगे जो पैथी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है हमारी आयुष पैथी है वो आगे बढ़ाने के लिए मैं आपसे आपका आशीर्वाद चाहता हूं, आपका सहयोग चाहता हूं और जो बिल आज हमने यहां आपके सामने रखा है वो पारित करने के लिए मैं आपको विनती करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी।